भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है, 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जितने भी अवैध काम होते हैं ये सब कालाधन से होते हैं, सब कैश में फंडिंग होती है, सब हवाला के जरिए होते हैं। इतना बड़ा देश है, एक भी थाना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, एक भी तहसील भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, एक भी जिला भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है, एक भी सरकारी विभाग भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। लेकिन न संसद पे इस पे बात होती है, न विधानसभा में इस पे चर्चा होती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम 86 प्लेस पे हैं, लेकिन कभी चर्चा ही नहीं होती कि हम आखिर टॉप 10 में कब आएंगे या टॉप 20 में कब आएंगे, कोई चर्चा ही नहीं होती। घुसपैठियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, माओवादियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, नक्सलियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, अलगाववादियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, पत्थरबाजों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, भारत में जातिवाद फैलाने के लिए बड़े मात्रा में फंडिंग होती है हवाला के जरिए, भाषावाद फैलाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में फंडिंग होती है हवाला के जरिए, कट्टरवाद फैलाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में फंडिंग होती है हवाला के जरिए, क्षेत्रवाद फैलाने के लिए बहुत बड़े मात्रा में फंडिंग होती है हवाला के जरिए। ये जो बहुत सारे आपको लेखक बुद्धिजीवी रोज सुबह सुबह ट्वीट करते हैं दलित बनाम संवर्ण करने के लिए, इन सबको फंडिंग होती है। देश विरोधी लेख लिखने के लिए बड़े मात्रा में फंडिंग होती है। कोई भी देश विरोधी काम फ्री में नहीं होता, सब पैसे के लिए होता है। सब पैसा मिलता है तब करते हैं लोग, कोई फ्री में नहीं करता। और जितने भी देश विरोधी हैं, जितने भी गद्दार हैं, सबके पास काला धन है, बेनामी संपत्ति है और आय से अधिक संपत्ति है। राहुल गांधी के पास काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति है। सोनिया गांधी के पास काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति है। प्रियंका गांधी के पास काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति है। वाड्रा के पास काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति है। अखिलेश यादव के पास काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति है। तो जितने भी आप एक्स वाई जेड नाम ले लीजिए, सबके पास कालाधन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति। और क्यों है, क्यों बाहर घूम रहे? क्योंकि हमारा कानून बहुत घटिया है। 1860 में जो इंडियन पिनल कोड बनाया था मैं कालेनो, आज भी चल रहा है। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है। 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है। क्यों नहीं बदला जा रहा है? क्योंकि अगर हम अच्छे कानून बना देंगे तो भारत में जो लूट तंत्र है वो रुक जाएगा। इसलिए लुटेरे कोई भी न जुडिशियल रिफॉर्म कर रहे हैं, न पुलिस रिफॉर्म कर रहे, न इलेक्शन रिफॉर्म कर रहे। वेंकट चलिया कमीशन की रिकमेंडेशन ऐसी पड़ी हुई है रद्दी की टोकरी में, ला कमीशन की दुनिया भर की रिकमेंडेशन ऐसी पड़ी हुई रद्दी की टोकरी में, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन ऐसी पड़ी हुई है, पुलिस रिफॉर्म पे इतने सारे रिकमेंडेशन हुए, कोई लागू करने के लिए तैयार नहीं। जुडिशियल रिफॉर्म इसलिए नहीं किया जा रहा है कि मुकदमे जल्दी सुनवाई हो जाएगी, जल्दी फैसला होगा तो लुटेरे जेल में चले जाएंगे। कठोर कानून इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि लुटेरों को ज्यादा तकलीफ न होने पाए, बाहर आराम से मौज मस्ती करते रहे। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, CWG घोटाला 70,000 करोड़ का। न तो किसी की 100% प्रॉपर्टी सीज हुई, न किसी को आजीवन कारावास मिला। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ था, किसी एक आदमी की भी न 100% प्रॉपर्टी सीज हुई, न आजीवन कारावास हुआ। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, न किसी की 100% प्रॉपर्टी सीज हुई, न किसी को आजीवन कारावास हुआ। इसलिए भारत में भ्रष्टाचार वैसे ही फल फूल रहा है। कोई भी सरकार आ रही है, कोई भी मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई भी गृह मंत्री बन रहा है, लूटने में कोई कमी नहीं हो रही, वहीं एज इट इज चल रहा। कोई चद्दर ओढ़ के लूट रहा है, कोई चद्दर खोल के लूट रहा है, कहीं ढका छुपा खेल चल रहा है, कहीं खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है। लूट में कोई कमी नहीं है। और अगर आपको लगता है कि लूट कम हो गई तो एक बार आप थाने पर जाके अपना कोई काम करा के देखिए। आप लेखपाल से पटवारी से बिना पैसे दिए कोई काम करा लीजिए, आप नगर निगम में बिना पैसे दिए कोई काम करा लीजिए, नहीं हो सकता है। सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे, प्रधानमंत्री बदल रहे, गृहमंत्री बदल रहे, व्यवस्था वहीं की वहीं है। आखिर हम
फ्रांस से हजारों करोड़ रुपए देके राफेल खरीदते हैं, फ्रांस के भ्रष्टाचार विरोधी जो अच्छे कानून उनको भारत में क्यों नहीं लागू करते? अमेरिका से हम हजारों करोड़ रुपए देके सामान खरीदते हैं, अमेरिका के अच्छे अच्छे कानूनों को मुफ्त में भारत में क्यों नहीं लागू करते? वो अपना कानून तो मुफ्त में दे देगा हमें। रूस से हम हजारों करोड़ रुपए देके सुखोई विमान खरीदते हैं, हम रूस के अच्छे कानून भारत में क्यों नहीं लागू करते? फ्रांस से हम दुनिया भर की चीजें खरीदते रहते हैं, सिंगापुर से हम दुनिया भर चीज खरीदते हैं, सिंगापुर का हम सिस्टम क्यों नहीं लागू करते? सिंगापुर में तो नियम है, एक व्यक्ति एक मकान खरीद सकता है और एक व्यक्ति एक दुकान खरीद सकता है, एक व्यक्ति एक कार खरीद सकता है, दो खरीद ही नहीं सकता। दूसरा खरीदना चलो पत्नी के नाम भी खरीद लेगा, तीसरा खरीदना है चलो बेटे के नाम भी खरीद लेगा, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पे एक ही दुकान, एक ही मकान, एक ही कार हो सकती है, दूसरा हो ही नहीं सकती है। हम ये नियम भारत में क्यों नहीं लागू कर देते? किसने रोका हुआ है हमें? काला धन बेनामी संपत्ति को 100% जब्त करने के लिए कानून बनाने से हमें किसने रोका है? आय से अधिक संपत्ति को 100% सीज करने के लिए कानून बनाने से हमें किसने रोका हुआ है? भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास या फांसी देने के लिए हमें किसने रोका हुआ है? और ऐसा नहीं कि ये कानून हम भारत में पहली बार, कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, अरे दुनिया के कई देशों में है। चाइना में तो अभी एक कंपनी का मैनेजर था, उसने 2 लाख के आसपास घूस लिया था, उसको फांसी दे दिया। हम फांसी नहीं कम से कम आजीवन कारावास के लिए कानून बनाए, लेकिन हमारे यहां तो बस 3 से 7 साल, घूसखोरी में भी 3 से 7 साल, जमाखोरी में भी 3 से 7 साल, मिलावटखोरी में भी 3 से 7 साल, कालाबाजारी में भी 3 से 7 साल, काला धन रखने में भी 3 से 7 साल, बेनामी प्रॉपर्टी रखने में 3 से 7 साल, आय से अधिक संपत्ति रखने में 3 से 7 साल। ऐसे लगता है किसी पादरी ने बना दिया कि बस 3 से 7 साल रखना, उसके आगे बढ़ना ही मत। हमारे वैज्ञानिकों ने 7 महीने के अंदर दुनिया की सबसे अच्छी सबसे सस्ती वैक्सीन बना दिया कोविड की, और हम 70 साल में इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों ने तो अग्नि बना दिया, ब्रह्मोस बना दिया। हम अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर के कानूनों की नकल भी नहीं कर पा रहे। वैज्ञानिक हमारे चंद्रमा पे चले गए, मंगल पे चले गए। हम पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं कर पा रहे। ला कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं लागू कर रहे, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं लागू कर रहे, वेंकटचलिया कमीशन की रिकमेंडेशन नहीं लागू कर रहे। आप काला धन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक संपत्ति 100% सीज करने के लिए कानून बनाइए, और भ्रष्टाचारियों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाइए। देश से कम 10,000 के आसपास नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार देश छोड़ के भाग जाएंगे, कानून बनाते ही छोड़ के भाग जाएंगे। आप काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति 100% सीज करने के लिए कानून बनाइए, और जिसके पास ज्यादा संपत्ति मिले उसको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाइए। आपको राहुल, सोनिया, प्रियंका, वाड्रा, अखिलेश, ममता, मायावती, स्टालिन, ये भारत में नजर नहीं आएंगे, या तो दुबई भाग जाएंगे या कुवैत भाग जाएंगे, भारत में रहेंगे ही नहीं। ये जितने खरपतवार हैं, जितने अपने आप को सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी, लेखक कह रहे हैं, इन सबके पास काला धन है, सबके पास बेनामी संपत्ति है, सबके पास आय से अधिक संपत्ति है। सिमी की फंडिंग काले धन से होती है, पीएफआई की फंडिंग काले धन से होती है, सीए का विरोध करने की फंडिंग पूरी काले धन से हुई, एनआरसी अगर आएगा तो उसकी, उसका विरोध करने के लिए भी फंडिंग होती रहेगी, धर्मांतरण की फंडिंग पूरी जो है काले धन से हो रही है, जिहाद की फंडिंग पूरी काले धन से हो रही है, उसके बावजूद हम काला धन के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना रहे। क्या दिक्कत है 100% कानून, 100% सीज करने के लिए और आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने से? चलो माना कि 10-20 हजार, 2-4 हजार जो है बीजेपी के सपोर्टर भी जेल में जाएंगे, तो जाएंगे तो जाए, लेकिन अगर हम काला धन, बेनामी संपत्ति खत्म कर देंगे तो भारत में बीजेपी के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी बचेगी नहीं। बीजेपी सरवाइव कर लेगी, इतना बड़ा कैडर है, अगर 100-100 रुपए भी लोगों से जाके मांगेंगे ईमानदारी से, तब भी आरएसएस भी आराम से चलता रहेगा, बजरंग दल भी चलता रहेगा, विश्व हिंदू परिषद भी चलता रहेगा, और बीजेपी भी चलती रहेगी। लेकिन अगर हमने काला धन, बेनामी संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति खत्म कर दिया, तो ये जितने सेकुलर नेता ये देश छोड़ के भाग जाएंगे, ये जितनी सेकुलर पार्टियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, इनको इलेक्शन में हराने की जरूरत ही नहीं है, ये अपने आप दम तोड़ देंगी।
लेकिन हम अपने चंद मुर्गों को बचाने के चक्कर में इतने हम लुटेरों को छोड़ के रखे हुए, हमारे चोर न पकड़े जाए इसके चक्कर में हमने हजारों लुटेरों को बाहर छोड़ दिया, आराम से घूम रहे। अगर आज राहुल, सोनिया, प्रियंका, वाड्रा बाहर घूम रहे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? घटिया कानून। और घटिया कानून नहीं बदला, ये किसकी जिम्मेदारी? उसके लिए कौन जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। हमने घटिया कानून नहीं बदला, हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया, ये तो हमारी कमी है। तूतू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से इस देश में बदलाव नहीं होगा। केवल जय श्री राम बोलने से राम राज्य नहीं आएगा, केवल भारत माता की जय बोलने से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। सिंगापुर, अमेरिका, फ्रांस की तर्ज पे हमें अच्छे कानून बनाने पड़ेंगे। हमने अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, उसके बाद आप यहां पे समान शिक्षा भी लागू करिए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा। आप भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, सारे देशद्रोही भाग जाएंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, कोई विरोध करने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन आप कठोर कानून बना देंगे, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने कानून बना देंगे, सारे सेक्युलर गैंग बाहर भाग जाएगा, न कोई लेख लिखेगा, न कोई ट्विटर ट्वीट करेगा, न कोई फेसबुक पोस्ट लिखेगा। आप यहां एनआरसी भी लागू करिए, कोई चू नहीं करेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, कोई चू नहीं करेगा। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाइए, कोई चू नहीं करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने, कोई चू नहीं करेगा। आप एक बार भ्रष्टाचारियों के 100% प्रॉपर्टी सीज करने और उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाइए, तो हो सकता है आपको फांसी देना ही नहीं पड़े। हम परमाणु बम बनाते हैं, किसी के ऊपर छोड़ते थोड़ी हैं, लेकिन जैसे परमाणु बम बना लेते हैं, उसके बाद दुश्मन ऐसे डर के मारे थराते रहते हैं। आप कालाधन, बेनामी संपत्ति, आयसरी संपत्ति को 100% सीज करने और भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बनाइए। सारे भ्रष्टाचारी यहां से छोड़ के ऐसी जगह चले जाएंगे जहां कमजोर कानून होगा, भारत में रहेंगे ही नहीं। न यहां मुकदमा चलाना पड़ेगा, न आपको फांसी देना पड़ेगा, वो खुद ही डर के मारे भाग जाएंगे। आप भ्रष्टाचार के लिए खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, आपको एनआरसी लागू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन करिए तो सही, अपनों के बचाने के चक्कर में इतने लुटेरे बाहर घूम रहे हैं, यह ठीक नहीं है।